हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। अक्सर एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, लेकिन एज ए फिल्म मेकर हम लोग का फर्ज है कि हम समाज की वो सब चीजें दिखाएं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एसिड हमारा यही एक एफर्ट है कि समाज का एक ऐसी बुराई को हम सबके सामने उजागर करें जिसका शिकार हमारे ही समाज के लोग होते हैं, और ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो इट्स लाइक एन एक्सीडेंट, और लेकिन हम उससे अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। हमें उस चीज़ का सामना करना चाहिए, उनके सपोर्ट में आना चाहिए जो विक्टिम्स हैं। तो हमारी फिल्म की कहानी भी ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे रूहाना जो हमारी किरदार है उसके ऊपर जब ऐसा अटैक होता है तो कैसे वो अपनी परिस्थितियों से डर कर नहीं बल्कि उसका डट कर मुकाबला करती है, और अपने जो सपने उसने देखे थे
जो भी तकलीफें हैं और अपने जो सपने हैं वो सपनों का के पीछे जाती है, उनको पूरा करती है और इस चीज से अपने लाइफ में सेटबैक जो है वो नहीं होने देती और एक एक विनर होके बाहर आती है। तो यही हमारा मैसेज है कि घटनाएं तो दुर्घटनाएं तो किसी के भी साथ घट सकती हैं, लेकिन कैसे आप अपने सपनों को न छोड़ते हुए उसका डट कर मुकाबला करें, यही हमारी इस फिल्म के थ्रू एक मुहिम है। धन्यवाद। सभी एसिड विक्टिम सर्वाइवर को, और हम लोगों ने इस फिल्म की जर्नी स्टार्ट की थी इन 2017 जून, और आज जाकर के धीरे धीरे लग रहा है कि सक्सेसफुल मोमेंट पे हम लोग आ चुके हैं। सक्सेसफुल मोमेंट ये नहीं होता हमारे लिए कि बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन अच्छा हो या लोग देखें, लोग ज़्यादा अप्रिसिएट करें कोई, क्योंकि हमारे में स्टार नहीं है या कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कॉर्पोरेट नहीं है। सक्सेसफुल इसलिए है कि ये जो हम लोग चाहते थे इस फिल्म को वहाँ तक लेकर के आए, और इस फिल्म के जरिए हम एसिड विक्टिम्स के जो पेन है, उनकी जो दर्द है, उसको लोगों तक बीच में ला रहे हैं, और जिससे लोग देखेंगे तो शायद 1% भी अवेयरनेस जागेगी, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल मोमेंट होगा। और इस फिल्म के राइटर हमारे जो हैं पंकज उनियाल आए हुए हमारे साथ हैं, और प्रियंका जी हैं जो एज ए रूहाना इस फिल्म में करेक्टर प्ले कर रही हैं, उनको भी मंच पर बुलाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ यहाँ पे एसिड विक्टिम्स भी आज जुड़ी हुई हैं और आए हुए हैं वो लोग, हम उनको भी इनवाइट करेंगे, जिससे एक आपको साथ में ये क्या पेन होता है, इसके पीछे क्या जर्नी होती है, वो भी समझ में आएगी। फिल्म के बारे में पंकज उनियाल बताएंगे ज़्यादा डिटेलिंग में, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये फिल्म एक नैरो माइंडेड सोच और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के उस दृश्य को बताती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और हम लोग इस एक देखते हैं कि कुछ भी होता है तो हम लोग कैंडल लाइट मार्च निकाल देते हैं या धरने पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये आते कहाँ से हैं, ये लोग हमारे बीच से, हम ही में से एक होते हैं। तो ये सोच हमको बदलनी होगी और हमारी सोसाइटी तभी ठीक हो पाएगी, सब लोग इसमें तभी एक साथ मिलकर रह पाएंगे, और ये सोच से गंदगी है। और बिलाल जो करेक्टर मैंने प्ले किया हुआ है, ये सोच है जो एसिड डालता है, उससे सोच को पनपने से रोकना है, और इस फिल्म को हम यही चाहते हैं कि इस फिल्म से देखें लोग और इस सोच को रोक सकें, 1% भी रुकेगी तो वी आर सक्सेस इन टू दैट। प्लीज पंकज एंड प्रियंका एंड ऑल एसिड विक्टिम्स प्लीज कम ऑन स्टेज, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। तो ये एसिड विक्टिम्स आ चुके हैं, और ये एसिड विक्टिम्स नहीं, ये हीरोज हैं हमारी सोसाइटी के लिए, हीरोज इन द सेंस कि ये इतने बड़े इंसिडेंट होने के बाद भी आज इतनी मजबूती के साथ यहाँ पे खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ पर आज हैं हमारे साथ, और इस फिल्म के लिए यही बहुत बड़ी सक्सेसफुल मोमेंट है, और ये जर्नी हमारी सक्सेसफुल इसी से हो रही है। और अभी मैं इंट्रोडक्शन क्या दूँ, ऑलरेडी ये लोग जैसे मैंने बोला हीरोज हैं, फिर भी जो है आप बोलना चाहेंगे कुछ अपने बारे में या कुछ बताना चाहेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। जी एक्चुअली मैं खुद एक ऐसे विक्टिम हूँ और लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है जो ना कोई फिल्म दिखा सकती है ना कोई इंसान, बिकॉज जो सर्वाइव करता है उसको पता होता है वो दर्द है। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि किसी ने हमारी स्टोरी को, हमारे जैसे अवेयरनेस के लिए हमारा सबसे पहला मुद्दा जो हमारे साथ हुआ है वैसे किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, जो हमने फेस किया है वो कोई और नहीं करना चाहिए। सोसाइटी थोड़ी चेंज हो रही है अवेयरनेस के लिए, सिर्फ मूवीज बना रही है, तो उसके लिए तो सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं जो भी यहाँ के डायरेक्टर है उनके लिए। और मैं खुद एक विक्टिम हूँ, मेरे फैमिली में 4 लोगों पर अटैक हुआ था जिसमें छोटी सी बेबी थी वलिया की, मैं सिस्टर नीस की, और बहुत जगह से मैंने हेल्प मांगा, कहीं से मुझे हेल्प नहीं मिला। और फैमिली में ना कोई मेरे मम्मी पापा थे, ना कोई भाई था, ना मेरे हस्बैंड, कोई नहीं सपोर्ट के लिए थे, और उसमें मेरे छोटे 4 बच्चे थे, और वो बच्चों को संभालने के लिए भी कोई था नहीं घर पे। और 2 महीना जिंदगी के हॉस्पिटल में जो दर्द हमने देखा है, डॉक्टर्स आते थे बॉडी में विनेगर डाल के बॉडी को ठीक करने की कोशिश करते थे रात को, मतलब डॉक्टर की आहट से भी बहुत डर लगता था मुझे, इसीलिए मैं रात के 12 बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज
डिस्चार्ज होकर भाग गई थी, मुझे मरना है तो घर पे मरूंगी, मैं हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहती हूँ। फिर एक साल हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी बेड पे ही थी, और फिर धीरे धीरे मैं खड़ना सीखी पैरों पे, क्योंकि बेड पे से उठना बहुत ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि ना दवाई चल रही थी ना कोई सपोर्ट था मुझे। फिर जैसे वैसे मैंने एक साल निकालने के बाद धीरे धीरे पैरों पे खड़ने के बाद में मुझे पता चला कि कोई संस्था हेल्प करती है ऐसे विक्टिम के लिए, तो उनसे मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया, क्योंकि मुझे सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे नेबर्स मुझे अलाउ नहीं करते थे बाहर निकलने के लिए, मुझे एक साल बंद दरवाजे में रहना पड़ा, ना विंडो खोलने के लिए देते थे ना दरवाज़ा, बोलते थे आपको देख के बच्चे डर जाएंगे। तो ये मेरे सबसे पहला था कि मेरे सोसाइटी का चैलेंज था, मेरी सोसाइटी तो बाद में आती, मेरे नेबर्स मुझे अगर आगे नहीं निकलने देंगे तो मैं कैसे बाहर निकलूंगी। तो ठीक है, फिर उनसे हेल्प मांगा तो सर्जरी के लिए, कहीं से ये नहीं हुआ, फिर हमने अपनी जो भी घर का प्रॉपर्टी था बेच के सर्जरी करवाई। और फिर एक मुझे ये चीज़ मिला कि लोगों से मदद मांगने से बेटर मैं खुद में, वो मेरे में साहस है, मैं वो खुद कर सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे जहाँ तक के नॉलेज मिली, मैंने धीरे धीरे खुद की भी सर्जरी करवाई और अपना छोटा सा फाउंडेशन बनाया, ऐसे सर्वाइवर साहस फाउंडेशन, जिसमें मैंने 4 ऐसे विक्टिम की शादी भी करवाई है। सब जानते होंगे ललिता और बेन बंसी, जिसमें विवेक ओबराय जी ने भी अपार्टमेंट गिफ्ट किया था, वो शादी हमने ही करवाई थी। और ऐसी मैं विक्टिम उसको सर्जरी के लिए हेल्प करती है करती हूँ, उनके बच्चों की एजुकेशन या मंथली जो भी फिनेंशियल हेल्प है जितना हमारे से हो सकता है उससे करने की कोशिश, छोटी सी शुरुआत है ये। और आप लोग से भी ये करूँगी कोशिश, अपील करूँगी, प्लीज़ ये चेहरे को देख के डरिए मत, और लोग जो ये चेहरे को देख के डर के इससे क्वेश्चन पूछते तो वापस हमारे उस जख्म और हमारी तकलीफ वापस याद आती है। सो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, हाथ से कभी भी हो सके थे कभी कि मेरा मुझे छोड़ना दे। इसीलिए देखिए 32 सर्जरी हो चुकी है इसकी, फिर भी फेस पूरा रेडी नहीं हो पाया है। वो रेशमा है, वो मेरी सिस्टर ही है, उस पर भी मेरे साथ में अटैक हुआ, वो कल्पना जी है, हाँ सिद्धार्थ है, ये भी 10th स्टैंडर्ड में था और अपना गणपति का टेंपल बनाते बनाते खाली आंख लग गई थी, किसी ने आके एसिड अटैक कर दिया जिससे दोनों आंख उसकी चली गई। और ये कल्पना जी है, ये बहुत अच्छे पार्लर का अपना बिजनेस चला रहे थे, तो उनके हस्बैंड को ऐसा लगा कि मेरी वाइफ आगे बढ़ रही है मुझसे आगे, तो नहीं होना चाहिए, उसको रोकने के लिए वो अटैक कर दिए। और मेंबर्स है लेकिन उनको नहीं बुलाया हमने। थैंक यू। आप लोगों ने नोटिस की होगी जो भी एसिड फेंकते थे वो कोई बाहर वाला नहीं था, नोटिस की होगी आप लोगों ने, कोई हस्बैंड, कोई दोस्त, कोई कुछ, सब अपने ही रिलेटिव थे, कोई बाहर से नहीं आया। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, आप लोग आए हैं बहुत अच्छा लगा, और मैं उस दर्द को भी नहीं बयां कर सकती। और जिस वक्त हमारे साथ एसिड अटैक हुआ था, जो चीखने की आवाज जो हमने चिल्लाए थे, और जिस वक्त ये आवाज निकली थी, आज शायद कोई बोल दे कि वापस चिल्लाओ तो वो आवाज नहीं निकलेगी। वो 4 बजे का टाइम सुबह, मैं सो रही थी, और वो जिस वक्त मेरे ऊपर एसिड फेंका और बाहर से लॉक दरवाजा और एसिड डाला, और मैं जो चीख रही थी कि बचाओ बचाओ, कोई मदद के लिए नहीं, बाजू में मेरा ब्रदर रहता था उसको लॉक कर दिया, अब मैं अपने घर के अंदर चिल्ला रही, बाजू में मेरा ब्रदर चिल्ला रहा, दोनों जन चिल्ला रहे, बाहर से दोनों के दरवाजे लॉक है। वो दर्द मतलब ऐसा, जब वो ये चीज याद कर लो तो आँख से आंसू रुकते ही नहीं थे, मतलब वो मैं तो बोलती किसी के साथ ऐसा होना है कि, तो 4 महीने जो बेड पे मैंने निकाली मसीना हॉस्पिटल में, वो दर्द वो सोच भी नहीं सकती। ये मेरी 2 बेटी है, ये दोनों मुझे देखने से पहचानने से इनकार कर दिए कि ये मेरी माँ भूत है, मतलब उन लोग डायरेक्ट बोल दिए कि मुझे ये मेरी माँ नहीं है, नानी तुमने किसको लेके आ गई, ये मेरी मम्मी दूसरी है, मेरी मम्मी को लेके आओ। काफ़ी टाइम लगा, 7-8 महीने लगे उन लोग को अपने पास लेके आने के लिए, आज माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे साथ रहते हैं, और अभी फिलहाल करके हॉस्टल में लोग का एडमिशन करवाई, पंजगनी में दोनों हॉस्टल में कर ही आए हैं अच्छे से, अभी तो धीरे धीरे सब ठीक होगा, क्यों तो मैं ठीक हो गई हूँ, मैंने अपने आप को संभाल ली, सब ठीक हो गया, क्यों तो हमारी हिम्मत सबसे बड़ी है कि हम हिम्मत हौसले अपने रखे संभाल के तो आज आगे बढ़ रहे, शायद ये हिम्मत ही मैं तोड़ देती तो शायद मैं दुनिया में जी नहीं पाती। माँ भी अपन बोलेंगे,
मेरा साथ जो एसिड अटैक हुआ था तो ये तो बहुत तकलीफ था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में दिन गुजार रही, क्योंकि मेरा बंद कमरों में डॉक्टर ने 4 साल रखा था कॉन्टिन्यू। 4 साल जब भी मैं बाहर आई तो मतलब बहुत घबराती थी, अजीब सा लगता था, क्योंकि वो दिन मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मैं भूलना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा साथ हुआ था वो कल था और आज मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, वो बात मैं याद नहीं करना चाहती हूँ ना बताना चाहती हूँ। और मेरा एक जो छोटी बेबी है, जब भी मेरा एसिड अटैक हुआ था मेरा बेबी 2.5 साल की थी, लेकिन मेरा बेबी मेरे से कभी नहीं डरी, हमेशा मेरा साथ थी। मैं उसको पूछती थी कभी कभी, जब मेरा पहचानती हूँ पहले, हाँ तुम मेरी मम्मी है, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरा बेबी बहुत स्ट्रांग है। और मेरा बेबी का तरफ देख के, मेरा पापा का तरफ देख के, अगर मैं आप लोगों के सामने खा रही हूँ तो सिर्फ मैं अपना पापा और मम्मी के लिए है और मेरा बेबी के लिए है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत साथ दिया है। इसलिए मेरा जो दुख दर्द जो था, मैं अपना बेबी के साथ हंसते हंसते दिन गुजारी और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और आज मैं आप लोग के सामने हूँ, बहुत खुश हूँ, सो हैप्पी, थैंक यू। मेरा नाम रेशमा है और मैं भी एक ऐसी विक्टिम हूँ, और नौरत भी ने बताया कि हमारे साथ में 4 जन थे, उसमें से मैं एक हूँ, और बहुत हम लोग ने स्ट्रगल करे। जिस टाइम में मेरे साथ में अटैक हुआ था, मेरा 3 बच्चे थे और हॉस्पिटल में देखने वाला कोई नहीं था, मेरे बच्चे तो रोड पे थे। मैं 7 दिन के अंदर कच्चे जख्म में डिस्चार्ज लेके बाहर आ गई थी, क्योंकि बच्चे लोग को देखने वाला कोई भी नहीं था हमारे घर में, और रोड पे घर में जाने के लिए डर लगता था, क्योंकि घर पे मेरे घर में अटैक हुआ था तो मुझे घर में जाने के लिए डर लगता था। मैं मेरे बच्चों को लेके समंदर के पास में सोती थी रोड के ऊपर। बहुत तकलीफों से हम लोग ने स्ट्रगल करे और आज यहाँ तक आए, और हमारा एनजीओ ऐसी सास फाउंडेशन बना है, उससे ऐसा लग रहा है कि हम 2 सीढ़ी आगे बढ़े, बस उससे आगे कुछ नहीं हुआ। मेरा 2008 में एसिड अटैक हुआ गणपति में, दीदी ने बताया। फिर उसके बाद में 10वीं का मतलब पूरा मेरा एग्जाम सब बंद हो गया। 7 महीना दवाखाने में निकाला, उसके बाद घर वाले ने सपोर्ट करके डिप्रेशन में जाके वापस आके फिर घर वाले ने समझा के फिर दीदी मिली हमारा एसिड सावर सास फाउंडेशन खड़ा की, और अभी हमारे के लिए मदद करती है दीदी, बहुत अच्छा लगता है। हम सब एक हो गए ले सब एसिड सावर, और दूसरे के साथ भी नहीं होने मांगता है। अब फिल्म निकली, मूवी निकली तो बहुत अच्छा किया। बस हेलो, मेरा नाम कल्पना है, मैं एक ब्यूटिशियन थी, लेकिन क्या है अपने इसमें सोसाइटी में मर्द से आगे औरत नहीं जा सकती, इसलिए हमारे घर में देवर वगैरह सब की चर्चा चलती थी, इसका क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन चतुर्थी के दिन पार्लर नहीं खोलना ऐसा बोला, तो मैंने सुना नहीं, इसलिए पूरा कैन मेरे सिर पर डाल दिया नीचे बिठा के। फिर मेरे को जो तकलीफ हुई, पूरा 1 साल मैं डार्क रूम में थी, मुझे बाहर डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखना था, मुझे बाथरूम में तक नहीं छोड़ते थे। अब अगर मैं मैंने की भी है 2-3 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन जब से हमारा साहस फाउंडेशन चालू हो गया दौलत दीदी के धर्म से, अभी वैसे कुछ भी थिंकिंग नहीं आता मन में, अभी बहुत अच्छा लगता है, हम सब जन हैप्पी हैं, दौलत दीदी को बहुत शुभकामनाएं हमारी, यही हमारा साहस फाउंडेशन आगे तक चले। और हमारा जब तकलीफ हो गया है ना, वो किसी के साथ ना हो, पहले ऐसे ही नहीं किसी पर गिरे, वो ऐसे ही चला जाना चाहिए। सबको लगता है कि फेस जो है पहचान है आदमी की, जो फेस वही खत्म कर दिया तो होगा, लेकिन ऐसा हम जैसे लोग अब नहीं सोचते, हम सोचते हैं तुम कुछ भी करो हम आगे ही जाए। सरार भाई प्लीज आइएगा।
जैसे अभी आपने देखा, ये एक सोच है जो हमारे आसपास हमारे बीच में है और वही एसिड डालती है, वही क्राइम करती है। तो उस सोच के कारण आज यहाँ पर इन लोगों को ये अंजाम देखना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये लोग डट के आगे बढ़े। हमारी फिल्म जो है इसी चीज के लिए पूरा इनके ऊपर ही है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारे बीच में, मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं बोल रहा हूँ, यह जो नैरो माइंडेड सोच है उस पे सीधा प्रहार कर रही है कि इस चीज को बदलनी चाहिए और इस सोच को बदलनी चाहिए। और इसमें जो बिलाल का कैरेक्टर किया है, जैसे इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स इन लोगों के लाइफ में किसी ने प्ले किया हुआ है, जो जिन्होंने एसिड डाला है, उस सोच को खत्म करनी है, तभी ये सोच जो है बदलेगी तो सोसाइटी बदलेगी और इस तरीके के इंसिडेंट्स रोक पाएंगे। बाकी हमारे बीच में इसरार भाई, वो भी कुछ बोलेंगे इस फिल्म के बारे में। ये फिल्म आप रिलीज कर रहे हो, कितने सिनेमास, कैसे, क्या पोजीशन है? और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे बीच में हमारे बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर प्रदीप सिंह आए, मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ। और हमारे मोस्ट सीनियर मिस्टर सुदर्शन रतन, जिन्होंने माधुरी दीक्षित जी को चांस दिया था, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। ये हमारे मतलब बहुत सीनियर हैं। ये प्रदीप भैया जी हमारे बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और भोजपुरी के किंग प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई कहलाते हैं, बॉम्बे में खुद के इनके थिएटर। मिस्टर सुदर्शन रतन जी जो हमारे इंतजाम कर रहे हैं पिक्चर को रिलीज बॉम्बे कर रहे हैं, प्रदीप जी। मीडिया फ्रेंड्स कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। सर, एसिड जिस तरीके से सरकार की तरफ से बैन किया गया है, उसके बावजूद भी आज भी इस तरीके के इंसिडेंट होते रहते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर सरकार का नजरअंदाज करती है इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी? देखिए, वही चीज है कि सरकार करती है एक लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर हर चीजें, और वो कोई नियम बनाती है तो सबके लिए बनाती है, लेकिन ये हमको उसको नियम को फॉलो करना है, पालन करना है। उसको फॉलो कैसा करेंगे? अभी लॉज बहुत बने हुए हैं, उस लॉ को हम लोग तोड़ते हैं, उस लॉ को हम लोग फॉलो नहीं करते, बिकॉज ऑफ दैट ये सारे इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सोसाइटी मेंबर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे इन्होंने एक चीज बोला कि हम बाहर निकलते थे या हमारे नेबर से डर जाते थे, तो ये जो सोच है आज ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपके सोसाइटी में आ रहे हैं, क्या आप हमें एक्सेप्ट करेंगे? कि हम आपके स्कूल में आ रहे हैं, क्या आप हमें एक्सेप्ट करेंगे? हम आपके कॉलेज में आ रहे हैं, क्या आप हमें एक्सेप्ट करेंगे? ये सोच हमको बदलनी होगी, और ये सोच बदल जाएगी सब ठीक हो जाएगा, गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हरियाली गांव में विक्रोली के पास एक दातुन बेचने वाली का पुलिस ने रेप किया था, पुलिस कांस्टेबल ने। वो बात बहुत आगे जाने वाली थी, लेकिन वो बात पुलिस वालों ने दबा दी। उस इशू को लेके जब मैंने फिल्म शुरू की तो माधुरी दीक्षित उसी बात से कन्विंस हुई कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और आज अगर मुझे ये सब ये लोगों को देख रहा हूँ, मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। हम लोग तो टूट जाते हैं, ये सही सलामत कर रहे हैं। और आज मुझे अगर इस विषय पे फिल्म बनानी पड़े तो मैं डेफिनेटली माधुरी दीक्षित से बात करूँगा, और मैं इस फिल्म को भी सलाम करता हूँ जो ये रोल कर रही है, और आप सबको मेरा नत नत। जैसे इन्होंने बोला कि इस तरीके की फिल्म को बनाना बिना किसी कॉर्पोरेट बैकिंग के, बिना किसी स्टार के, प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। जैसे अभी मीडिया भाई ने पूछा कि रिलीजिंग का क्या प्लान है, आगे आप लोग कमर्शियलाइज कैसे एग्जीक्यूट करोगे? देखिए, हम एक चीज जानते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं बदल सकते हैं, बहुत कुछ नहीं तो इन शॉर्ट बोलेंगे झंडा गाड़ देंगे, लेकिन एक चीज है कि बस लोग देखेंगे और उनको दिखाना है, और इस फिल्म के माध्यम से बस अगर 1% भी हम सक्सेस होते हैं सोच बदलने में, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट यही होगी। छपाक जो आप फिल्म का नाम ले रहे हैं, तो हम लोग
2017 जून में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे थे। हमारे साथ राइटर भी हैं पंकज उनियाल इस फिल्म के, तो हम लोग डिस्कस किए थे इस फिल्म के बारे में। हमको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और अच्छा लगने का रीजन ये था कि इस मुद्दे के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाया, तो हम लोग भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कहीं से ना कोई फाइनेंस हो रहा था, ना कहीं से कोई बैकिंग, कोई हर गोल बोलता है कि सोशल इशू पे कौन बनाएगा, तो कॉर्पोरेट नहीं आते। हाँ ठीक है, कोई स्टार रहे या कोई रेडी हो तो उस तरीके का मूवमेंट चालू हो। तो हम लोगों ने जब बनाया था 2017 में इस चीज को स्टार्ट किया, फर्स्ट शेड्यूल स्टार्ट किया, उसके बाद 2018 में कंप्लीट किया हम लोगों ने मार्च में फिल्म। तब तक कोई छपा के किसी तरीके की फिल्म का कोई नॉलेज हमको नहीं था, ना हमने सुना था। ये अचानक एक आया है, जो भी 8 महीना 6 महीना में क्या कॉन्सेप्ट बना, हाँ आ गई। और अभी उन लोगों ने ट्रेलर ठीक है रिलीज किया, बट बाकी चीजें जो एक हम लोगों ने मूवमेंट चालू की थी बिना किसी उसके, और वो बहुत लॉन्ग जर्नी है, और उसको आज 2 ईयर्स मोर देन कंप्लीट होने जा रहा है। ऑन पेपर सारे रिकॉर्ड्स हैं, हर जगह आप देख सकते हैं जो भी इंस्टीट्यूट हैं इसके रिलेटेड। बाकी फिल्म के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे राइटर भी हैं यहाँ पे पंकज, वो बताएंगे कभी से कैसे इसका ख्याल आया था इनको। जब मान ने ये कॉन्सेप्ट सुनाया था मेरे को कि इस कॉन्सेप्ट में फिल्म बनानी है, तो फिर थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा पढ़ा इसके विषय में, तो बड़ा लगा कि एज ए राइटर या फिल्म मेकर हम जो हैं, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति। हमको ये नहीं कि सबको हंसाना रुलाना है, मतलब ये सब करना है, हम इंफोटेनमेंट भी एक होता है, तो हमारा ये फिल्म एंटरटेनमेंट से ज़्यादा एक इंफोटेनमेंट है, जहाँ पर हम ये खाली एसिड अटैक विक्टिम ही मत देखो, हर इंसान की जिंदगी में दर्द होता है, और हादसे किसी की भी जिंदगी में किसी भी रूप में आ सकते हैं। अभी इन लोग की बातें सुनकर जो इन्होंने इतनी एडवर्स कंडीशन में ये अपना हिम्मत बनाए रखे, लड़ा पेन से, दर्द से, और ये सही में ये असली हीरो हैं जो यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हमारी फिल्म के जरिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो हीरो हर इंसान के अंदर होता है, और ऊपर वाला सबको अलग अलग परिस्थितियों में टेस्ट करता है, और हमको उस टेस्ट में कैसे सफल होना है वो इसका ये लोग लाइव एग्जांपल हैं, ये हमारे प्रेरणा है मतलब। तो और जहाँ तक बात अभी दीपिका जी की फिल्म के बारे में आ रही है, एसिड अटैक विक्टिम पे ही हो रही है, तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ एक दो नहीं, एक एसिड नहीं, एक छपाक नहीं, ऐसी 100 फिल्में बने, ताकि ये जो मैसेज है वो हिंदुस्तान की 125 करोड़ 130 करोड़ जनता तक जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि जहाँ तक अभी तक बात है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, चलो एसिड बिकता है, ये सब होता है, हम समझता हूँ मैं, इंडस्ट्रियल उसमें भी एसिड बनता है, तो रोक नहीं सकते, बैन तो हर चीज़ होती है, शराब भी बैन होती है कई जगह, ड्रग्स भी बैन होते हैं, लेकिन फिर भी मिलता है। लेकिन जो असली चीज़ है वो है एजुकेशन। मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में बचपन में ही बच्चों को अवेयर कराएं इस चीज से, ताकि वो जब बड़े होंगे तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, उनको पता होगा क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या ये होती है। तो ऐसी फिल्में हम उस स्कूलिंग लेवल में हर एक बच्चे को दिखाएं, मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि देखिए हमारा ही समाज था पहले, जहाँ पे सती प्रथा होती थी, जहाँ पे और भी विधवाओं के साथ अत्याचार होते थे, तो वो भी समाज ही था, लेकिन आज की डेट पे वो सब बंद हो चुका है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आज से 5 साल 10 साल जितने साल बाद ऐसा हो कि एसिड अटैक ही ना हो दुनिया में, जैसे आज की डेट में कानून हर एक को अपना अपना रोल करना, जैसे हम लोग ऐसे फिल्म मेकर हम अपना रोल कर रहे हैं, आप लोग ऐसे मीडिया पर्सन आप लोग अपना रोल करिए, इसको प्रमोट करिए, हर जगह बताइए, ये नहीं कि हम यहाँ कोई कमर्शियल फायदे के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम तो चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को हर जन तक, हर इंसान तक, इंडिया ही नहीं बाहर भी देश में, क्योंकि ये एक वर्ल्ड फिनोमिना है, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया तक ही लिमिटेड है। तो हम तो जैसे हमारी फिल्म को 2 फेस्टिवल में इंटरनेशनल फेस्टिवल में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो हमारी ये मुहिम तो इंटरनेशनल जा रही है, हर मतलब दुनिया का अगर 7.5 बिलियन लोग हैं तो हर एक तक ये मैसेज जाना चाहिए किसी भी रूप में। मैं तो चाहता हूँ कि हजारों फिल्में बने इस टॉपिक में, ऐसे रिलेटेड टॉपिक में, यही हमारा ये है। प्रियंका जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब मैं इस फिल्म को शूट कर रही थी तो हमारा जब भी बहुत अच्छा चल रहा था, जब हमारा टाइम आया, जब एसिड का जब हमारा सीन स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त हमारे मेकअप मैन सारे सेट सब कुछ रेडी थे, फिर उस वक्त मेरे फेस पे एसिड का मेकअप किया जा रहा था, तो उस वक्त मुझे अजीब सारी टेट, बहुत ही मतलब गुस्सा आ रहा था, यार बहुत जलन हो रहा है या इरिटेशन हो रहा है,
तो उस वक्त मुझे ये लगा कि जब मैं मेकअप कर रही हूँ, जब मेरे फेस पे मेकअप चढ़ाया जा रहा है तो मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है। इनके लाइफ में तो जिंदगी भर का है। दीपिका की प्रॉब्लम के बारे में नहीं, वो एक एस्पेक्ट के ऊपर खास करके आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर काफी लोगों को आप लोग लेकर चल रहे हैं साथ में। जी, सबकी कहानी होगी, मतलब उनका कहना सबकी कहानी होगी या किसी पर्टिकुलर की कुल। ये जो फिल्म बनाए है या एक हमने मराठी मूवी भी देखा है फ्राइडे के दिन अतरंग, और ये भी हमने एक ट्रेलर देखा है। ये एक सब विक्टिम्स के लिए मैसेज है और सबके लिए अवेयरनेस है। एक की स्टोरी नहीं है, सबकी स्टोरी आ रही है। तो आई लाइक दिस फिल्म मूवी। जैसा आपने बोला कि दैट पार्टिकुलर किसी से एक आदमी या किसी एक कैरेक्टर को हम लोग, ठीक है वो जस्टिस के लिए फाइट है या उसको एक स्टारडम के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, मैं उस चीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ अगेंस्ट हूँ या कुछ हूँ, अच्छा है उससे भी कुछ मैसेज जाएगा, जैसे हमारे पंकज ने भी बोला बननी चाहिए। लेकिन हमारी जो फिल्म है डेडिकेटेड है टू ऑल, और इसमें सब्जेक्ट ही हमारा एसिड विक्टिम सर्वाइवर के इस नैरो माइंडेड सोच को, इस मेल डोमिनेट, जैसे अभी उन्होंने बोला पुरुष प्रधान सोच जो है, कहीं ना कहीं उसको बदलना है कि भाई हम सबको मिलकर रहना है और कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। तो ये सबको ले करके चलने वाली फिल्म है और सबको डेडिकेट कर रही है, नॉट ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। सर ये खाली बातें हर कोई करता है कि जो लड़कियां होती हैं या जो लड़के होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जो बचपन से ही शुरुआत होती है तो लड़कियों को खेल चूल्हा चौका जिस तरीके से कहा है खिलौने में दिया जाता है, लड़कों को बैट या बॉल दिया जाता है, ये सोच वहाँ से शुरू हो जाती है। सर जैसा अभी पंकज ने भी वही बोला कि पहले सती प्रथा या उस तरीके के सारी प्रथाएं जो थी, कुरीतियां जो थी, वो एक बार में नहीं बदली, टाइम लगा है। तो हम लोग इस मूवमेंट को स्टार्ट किए हैं, आप आगे बढ़ाइए, हर लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए, बस देखिए फिर ऑटोमेटिक कोई चूल्हा कोई बेलना कुछ नहीं चलेगा, सब जगह कलम और किताब और सब बराबर बैठेंगे। जी
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.